आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हाय गाइस, मैं आकाश। देखिए, ये बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे पूछ रहे थे, सर बुक्स का एक लिस्ट बता दीजिए, मार्केट में बहुत सारे बुक्स है तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या पढ़ें। तो उनके लिए ये वीडियो पर्टिकुलर मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, बेस्ट बुक जो मैंने पढ़ा था, ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये एक सजेशन है जो मेरा फ़ायदा हुआ है। इवन जो मैं अपना क्लास जो चलाता हूँ उसमें मैं जो अपने स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड करता हूँ ये बुक्स, और जो स्टूडेंट्स जो मेरे कोचिंग से पढ़ के जिनका सिलेक्शन हुआ है, भले वो इनकम टैक्स में हो, एक्साइज में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, तो सभी ने ये बुक्स ज़रूर फॉलो किया है दोस्तों। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ है यही बुक्स पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। तो ये मैंने पढ़ा है, तो ज़रूर मैं किसी इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा सजेशन है, मैंने पढ़ा था, मेरा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये बुक्स बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। बाकी आपके पास जो बुक्स है अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर पढ़ते रहिए, लेकिन मेरा सजेशन यही है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, मैं हमेशा तरुण गोयल को क्यों पहला हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है, ये बुक्स बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, अच्छा से दिया हुआ है, कवर अप है, ठीक है। लूसेंट में प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों, बहुत जो है वो इतना डिस्क्रिप्टिव, इतना ज़्यादा करके लिखा हुआ है वहाँ पे, वो आप नहीं स्टार्ट इनिशियल होता है तो आप उतना नहीं पढ़ पाते हो, आपका स्टैमिना चला जाता है, आप में बोरियत आ जाती है, ठीक है। तो उसमें आप अगर तरुण गोयल से स्टार्ट करोगे तो आपका धीरे 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 इसमें इंटरेस्ट आता रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको कवर अप कर लो। उसको कवर अप करने के बाद कुछ कुछ टॉपिक आप लूसेंट से कर सकते हैं, जैसे साइंस अच्छा है, पॉलिटी कर सकते हो, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो बाकी आप तरुण गोयल से कर लो। तो ये मेरा सजेशन है, स्टार्ट कीजिए तरुण गोयल से, देन यू गो फॉर लूसेंट अगर आपका टाइम मिलता है। उसके बाद देखिए, डिस्क्रिप्टिव तो करना ही करना है, उससे आपका बेस डेवलप होगा। उसके बाद आपको किरण चैप्टर वाइज को जस्ट पढ़ना नहीं है, उसमें एग्जाम की तरह देना है। आप हर टॉपिक को चूज़ करो डेली, 100-150-200 क्वेश्चंस आपने एज अ मॉक टेस्ट के हिसाब से दो, फिर उसका करेक्शन करो, देखो आपका कितना स्कोर होता है, ठीक है। और ये तो करना ही है, तो आप करना भी कैसे, जैसे डिस्क्रिप्टिव में आपने फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है, आप तरुण गोयल लूसेंट से फिजिक्स पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप जो है चैप्टर वाइज से फिजिक्स का पूरा क्वेश्चंस कर लो। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो फिजिक्स कर क्वेश्चंस कर रहे हो केमिस्ट्री का, ये मत करो, एक एक सिस्टमेटिक वे से कवर अप करो। तो जैसे आपने पॉलिटी ख़त्म कर लिया इससे तरुण गोयल से, उसके बाद आप पॉलिटी, हाँ, फिर आप जो है ये चैप्टर वाइज से किरण चैप्टर वाइज से कर लीजिए, ठीक है। जैसे आपने पॉलिटी किया तो फिर आप चैप्टर वाइज से कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो आ जाइए उसके बाद, देखिए करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस हैं, या आप नेट से भी जो भी है अवेलेबल है वो देख लीजिए, मेरे वीडियोस अवेलेबल है, मैं तो अभी वीकली दे रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, अच्छा फ़ायदा होगा, और आप कहीं से भी नेट से भी कुछ डाउनलोड करके देख सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं CHSL में, तो लूसेंट का एक छोटा सा बुक आता है वो खरीद लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल है, या आपके पास कोई भी दूसरा बुक्स है तो उसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बात करें तो देखिए, इंग्लिश में मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा SP बख्शी, बहुत बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत ही अच्छा बुक है, ये ज़रूर आप कर लीजिए। इसको अच्छा से करने के बाद आप फिर चले जाइए किरण चैप्टर वाइज में, ठीक है। देखिए SP बख्शी एंड RS अग्रवाल का जो दो बुक है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पूरा प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दिया हुआ है, जैसे आपको फर्दर प्रैक्टिस करना है तो आप उसको RS अग्रवाल कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली किरण चैप्टर वाइज कर लीजिए, ठीक है, और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है तो RS अग्रवाल भी से कर लीजिए, और न्यूज़पेपर डेफिनेटली अच्छा से कीजिए दोस्तों। ये देखिए इसमें क्या है, SP बख्शी में आपका ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा, वोकैब बहुत अच्छा है, तो इसको और ये किरण को करेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथ्स के बारे में बात करें तो आपको बेस MTYRA से बहुत अच्छा मिल जाएगा, MTYRA में आपका एरिथमेटिक बहुत अच्छा है, इसमें आपका एल्जेब्रा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, आप किरण से कर लीजिए बेसिक जो है वो अच्छे से इसमें से कर लीजिए। उसके बाद देखिए रीजनिंग में आप अरिहंत का भी बुक कर सकते हैं, RS अग्रवाल, रीजनिंग में ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, अरिहंत का एक पतला वाला बुक आता है, एकदम पतला वाला, वो ले लीजिए, RS अग्रवाल तो बहुत ही वास्ट है, उसको कवर अप उतना नहीं कर पाएंगे, ज़रूरत नहीं है, एक पतला वाला बुक आता है अरिहंत का, बहुत ही छोटा वाला, वो ले लीजिए, उसको से आप थोड़ा सा कंसेप्ट कर लीजिए कुछ सम से क्वेश्चन से, और बाकी आप जो है मॉक टेस्ट जब लगाएंगे उससे हो जाएगा। देखिए मॉक टेस्ट जो बात करें तो हम लोग किरण का बहुत अच्छा है, आप KD कैंपस का भी ले सकते हैं, पैरामाउंट का भी ले सकते हैं, लेकिन KD कैंपस और पैरामाउंट इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा ज़्यादा हाई है, ठीक है, स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है, किरण का जो है सिमिलर नेचर का रहता है जो SSC में पूछा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस करना है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप KD कैंपस का कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, या आप पैरामाउंट का भी कर सकते हैं।
तो चलिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ये पूछ रहे थे सर एकदम सजेस्ट कर दीजिए बुक्स को, तो ये ज़रूर क्रैक करने के लिए, CHSL क्रैक करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। ज़रूर कीजिए, स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली आप क्रैक कर पाएंगे CHSL को, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये जो बुक्स मैंने करा ये आपको कैसा है, या दूसरा कोई बुक्स आप फॉलो करें वो कौन सा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।